कोई राग राग नहीं है, असली फैशन ये है। और क्यों क्यों बदलाव की जरूरत है? क्योंकि 6 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से हरियाणा का दिवालिया निकल के अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा प्रदेश की कर्जा 3 गुना बढ़ गया, 60,000 करोड़ से 2.25 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा और चढ़ गया हरियाणा में, और काम कुछ किया नहीं, जिसका नतीजा ना फैक्ट्री कोई आई, ना कोई इंडस्ट्री आई, ना औद्योगिक क्षेत्र आया, ना कहीं कोई नई यूनिवर्सिटी लगी, जैसे अपने टाइम बहुत यूनिवर्सिटियां लगी थी, ना कोई मेडिकल बनाने आया, कोई मेडिकल कॉलेज बना, तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में, अपने इलाके में तो आया नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं आया, जिसकी वजह से आज हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। 33% भारत सरकार के अनुसार पूरे देश में, यूपी बिहार से भी ज्यादा आज वो नंबर वन हरियाणा विकास में होता था, आज वो नंबर वन हरियाणा बेरोजगारी में हो गया। 33% बेरोजगारी, हर घर में एक बालक तैयार हो गया पढ़ा लिखा शिक्षित, जिसको ये चिंता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्योंकि इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने जो है, क्योंकि इस सरकार ने इतना हरियाणा का भट्टा उठाया, मैं गलत तो नहीं कह रहा, भट्टा उठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, आप सच्ची अपना मन से आत्मा से जाकर पूछो, प्लांट भी सबसे ज्यादा इस गांव में कट रहे जी। बिल्कुल, और हर वर्ग का, हर वर्ग को चोट मारने का काम हुआ, नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में, पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, तो गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई। जो गरीब आदमी की स्कीम्स हुड्डा सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू करी थी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, वो बंद हो गई अपने गांव के अंदर, लगभग मेरे ख्याल 288 100 गज के प्लॉट के लिए जो है प्लॉट कटे, 388,000 प्लॉट पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब ने, हुड्डा सरकार के समय कटना प्लॉट 388,000, लगभग 6 लाख पात्र परिवार थे और वो प्रक्रिया चल रही थी। खट्टर साहब ने आते आदेश दिया कि भाई इस स्कीम को, ये स्कीम कैंसिल हुई, मकान की स्कीम कैंसिल हुई, मकान आते थे प्रदर्शनी प्रदर्शनी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, हर साल दर्जनों गरीब आदमी, छत्तीस बिरादरी का गरीब परिवार जिसके छत टपने का भी डर है, उसके लिए मकान सेंक्शन होकर आते थे, हर साल की स्कीम थी। मैं आपसे पूछता हूँ, 6 साल में अपने गांव में एक भी मकान सेंक्शन होकर आया? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी गरीब आदमी, किसी गरीब परिवार का एक भी मकान आया? स्कीम बंद कर दी, सर्वे तो कराया, 98,000 आते थे जी, 98,000 के उसको मतलब मिलता था तकरीबन लगभग 1 लाख तो मिलते थे, सहायता होती थी मकान के अंदर, और 7 साल अब तक तो बढ़कर जो है 2-2.5 लाख हो जाते हैं, क्योंकि हर साल बढ़ोतरी करते थे उसमें, मगर 7 साल से सर्वे कराया, किसी गरीब आदमी का एक भी मकान कहीं सेंक्शन नहीं। मकान की स्कीम बंद, 600 प्लॉट की स्कीम बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट अदा कर दिया, जो वजीफा आता था स्कूल के अंदर उस वजीफे को जो है 3 साल से रोकने का, उस वजीफे वजीफे का अम्बेडकर वजीफे का 3 साल से रोकने का काम हुआ। हमारे समय 11,000 गांव के अंदर सफाई कर्मचारी हमने लगाए थे और चौकीदार लगाए गए थे, और उनको पक्का करने के लिए स्कीम बनाई थी कि 10 साल के बाद वो पक्के हो जाएंगे सरकारी इम्प्लॉय, ताकि उनकी रिटायरमेंट में उनके कुछ पेंशन का भी कुछ अपना प्रावधान हो। इन्होंने वो 10 साल का कैंसिल करके उनका पक्का होने का रास्ता बंद करने का काम किया। तो गरीब आदमी पे चोट, नौजवान पे चोट, किसान का तो बताया अभी मलिक साहब ने, किसान ने का तो बर्बादी के जो है, किसान के तो अभी जो 3 बिलाए हैं उसको तो बर्बादी के दरस्ते पे किसान को लगे। 6 साल तक ना तो भाव गिरा, कहते थे आमदनी बढ़ाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी, का आमदनी तो दुगनी तब होगी जब भाव दुगना होगा, भाव तो आधा हो गया, जो 11-21-1509 अपने समय में 4.5-5 हजार क्विंटल जाया करता, अब वो आप मंडी में लेके जाते हो कितने में लेके आते हो भाई? 1600-1700 भी मान ले मसा, तो उस समय 4.5-5 हजार क्विंटल जाया करती कि नहीं जाया करती? तो भाई 6 हजार तक भी गई। इसी तरीके से हर फसल का भाव हमारे भाई जी, एक मिनट जो ये रेट बताई ना, 3 रोज पहले जेपी दलाल आया गांव में, मैं भी दलाल हूँ बिजेंद्र राज, तो गांव में चाय पानी थी उसके, मैं भी चला गया, मैंने उसकी किसानों कोई मांग रखी उसके सामने,
उसने मेरे सामने डीसी साहब के पास फोन कराया, कलेक्टर साहब के पास कराया, एसडी साहब के पास फोन कराया, मेरे को कह दिया कट फिट दी है जा कल मिल लिए। मैं अगले दिन फिर गया जी, मैं अप्लीकेशन दे तेरा सारी फोटो कापी है रिज्यूट करवा ली। एक अफसर ऐसा मिला मैंने सोनीपत, वो नु कह लगा सारे कागज कंप्लीट है तेरे गाँव के, दलाल साहब से जाके नु कह देना अब पैसे भेज दे हम दे देंगे अपने घर से देंगे। उसके बाद मैं दलाल साहब से मिला जी, दलाल साहब न्यू कह दिया पैसा नहीं है हमारे पास, बीजेपी पैसा नहीं दे रही सरकार, पैसा नहीं है, अरे हम कहाँ से दे। दलाल साहब कह लगे कि 3 तारीख के बाद देखेंगे, मां 3 तारीख बाद है दलाल साहब, दलाल साहब आप मेरे गांव में आ गए ना 3 तारीख आ गए, खट्टर से भी बड़ी बेइज्जती होगी आपकी। अपने काम बता दिया, मेरे साथी अपने काम बता दिया, मैंने 2 दिन का काम सारा बता दिया, 2 दिन में सारा बता दिया। तो राजी सच्चाई है ये काम छोड़ो, देखो ये तो काम करे 3 तारीख के बाद। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, चलो अपने एरिया का देता हूँ, सोनीपत जिले का देता हूँ। अपनी सरकार आई तब तक सोनीपत जिले में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, 2004 तक हिदा साहब को जब मौका मिला नहीं थी जी। उसके बाद क्योंकि ये इलाका कभी राज नहीं आया अपने, बड़ी मुश्किल से राज अपने आया, अपनी सरकार आई सोनीपत जिले में 6 यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ। खानपुर में जो है भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी बनी भाई, बनी के लिए बनी भाई, थोड़ी है कितना दूर होगा ना, बिल्कुल ना जी नजदीक 10 किलोमीटर होगा। तो भाग महिला यूनिवर्सिटी बनी, मूर्थल में चौधरी छोटराम यूनिवर्सिटी बनी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसमें बनी, अपना राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में जिंदल यूनिवर्सिटी बनी। आप लोग तो सोनीपत की साइड जाओ तो जिंदल यूनिवर्सिटी बनी, SRM अशोका यूनिवर्सिटी बनी, ट्रिपल आई टी आई और IIT दिल्ली का कैंपस है, एक्सटेंशन कैंपस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं कहता इनकी आपको राज चला गया 2014 में ये मुख्यमंत्री बन गए खट्टर साहब, मैं नहीं कहता भाई हमारे समय 6 यूनिवर्सिटी बनी थी तो आपने 6 क्यों नहीं बनाई। चलो भाई अब आप अपने घर की फर्क, घर की अलग फर्क होता है, 6 यूनिवर्सिटियों ने छोड़ो, पूरे 6 कॉलेजों ने छोड़ो। मेरा सवाल ये है कि इनके समय में 6 साल में पूरे सोनीपत जिले में 6 स्कूल भी अपग्रेड क्यों नहीं हुए, इस बात का जवाब देखो भाई छोटी बात नहीं है, एक तरफ यूनिवर्सिटी की बात है, मैं 6 यूनिवर्सिटी में केवल एक शिक्षा की बात बता रहा हूँ, हर फील्ड में आप ऐसे मेडिकल की बात है, ये मेडिकल कॉलेज रहा कानपुर में 8,000 OPD थी,